क्या सोचेगी, ये लड़की देख के क्या सोचेगी, माँ क्या सोचेगी, बहन क्या सोचेगी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव फिल्म है ये। बात अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप फिल्म जरूर देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम मर्द बेचारे की बात कर रहे हैं तो उसका कारण औरत ही हो, नहीं ऐसा नहीं है, या औरत बेचारी हो तो मर्द ही हो, ऐसा नहीं है। समाज को हम एक फेमिनिज्म और मैनिज्म, मैं दोनों का फेवर नहीं करता, फेमिनिज्म मतलब एक सेंटर, मतलब हम दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो पहली बार हमने, इन्होंने बहुत अच्छी बात की अभी तक, जिन्होंने इवन मुझे जो फीमेल्स ने देखा है ना, उन्होंने ये फिल्म को देखने वाले क्या कि हमें ऐसा लग रहा था लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी फिल्म है, और डेफिनेटली आज तो बहुत सारी फीमेल्स भी ये बात उठा रही है। मैं सीमा पावा जी आपसे जानना चाहूंगी, आई हैव नोन यू इन द कैपेसिटी ऑफ दैट गर्ल फ्रॉम हम लोग मोस्टली, बिकॉज मेरे माता पिता दादी, तुम तो नहीं पैदा हुई, हाँ नहीं तब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मैं क्लेम भी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी जो फॉन्डनेस थी आपके लिए, एंड देन आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद योर टैलेंट फ्रॉम बरेली, फ्रॉम रामप्रसाद की तेरवी, एंड रामप्रसाद की तेरवी आपने डायरेक्ट की है, एंड ऐसा बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक व्हाट अ लेजेंड इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई फील लाइक यू हैव डॉन्ड एंड चेंज्ड टू मेनी हैट्स, कभी एक्टर कभी डायरेक्टर, एंड आई एम श्योर आपने थिएटर में भी बहुत सारे ऐसे रोल्स निभाए होंगे, तो हाउ आर यू फीलिंग एज ऑन टुडे जस्ट बीइंग से यू नो एन एक्टर, अ डायरेक्टर्स एक्टर, हाउ डू यू ओरिएंट योरसेल्फ, कैसे कैसे आप अपना दिमाग चेंज करते हैं कि यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी या यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट बहुत अलग अलग है, और हमारे बगल में ही खड़े थे मोस्ट टैलेंटेड आदमी जिन्होंने अभी अभी कहा कि उन्होंने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, कंपोज भी किया है। मुझे लगता है हर एक डिपार्टमेंट बहुत अलग है, और जैसे हम जब एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ कि अगर हम जब घर पे होते हैं तो हम घर वाले होते हैं, हम जब ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस वाले होते हैं, तो ये इंसान की फितरत है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को उस जगह पे रोक लेता है। और मुझे लगता है कि इतने साल काम करने के बाद अलग अलग फील्ड को समझना, शायद मेरे लिए मैं लकी हूँ कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कि मुझे सब कुछ सीखने को मिला और मैं उन्हें अलग अलग रूप में देख पाई हूँ, और हर रूप को मैंने बहुत इंजॉय किया है, शायद उसी का रिजल्ट है कि यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वी ट्रूली लव योर वर्क मैम। जब ये स्क्रिप्ट आपको मिली थी, या आपको आपकी बातचीत पहले हुई कि स्क्रिप्ट पहले मिली, क्या आपका रिस्पॉन्स क्या था स्क्रिप्ट की तरफ? जब अनूप मुझे मिले थे, उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट है इसका, क्योंकि सच में ये बात बहुत गहरी है कि हम हमेशा औरतों के दुख की बात करते हैं, मर्द के दुख की बात ही नहीं करते हैं, जैसे कि वो बेचारा पता नहीं कौन से सातवें आसमान से आया है, उसे कोई दर्द नहीं होता, मगर जिस दर्द की बात वो अपनी फिल्म में कहना चाह रहे थे वो दर्द मुझे बहुत अपील किया, क्योंकि हमेशा हम ऐसा मानते हैं कि जो सेंटेंस बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, इसको हम कहीं और रिलेट करते हैं हमेशा, और बहुत इस पर हंसना चाहते हैं इस बात पर। पर अनूप ने जिस तरह से स्क्रिप्ट को लिखा है और उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, उसमें हर जगह यही बात बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है कि मर्द का दर्द बहुत छुपा हुआ होता है, और अगर हम उसे सच में महसूस करने लग जाएं तो बेचारों को इतना हार्ट अटैक ना हो। अतुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एंड क्षमा चाहती हूँ कि अगर आपको मैंने ज्यादा ओल्ड करार दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी जनरेशन से आते हैं जहाँ पे इस बात का प्रेशर बहुत था, एंड यू हैव seen the transition happen right before your eyes, ki acha hum main jab choti thi na tab Atul se pucho kya karte the bhai, ye unhone lag kehna chahe ki main kitni choti hu ya main kitna bada hu, ho na payega, hum log lagbhag ek hi age ke honge ji, to humne jo samay dekha, jo parivar, jo apna aas paas samaj dekha, usme ye baat sach thi, बात बात में लोगों को सुना जाता था बोलते हुए कि अरे यार रो रहा है, हाँ तो क्या आपको मानसिक तौर पे उलझन होती थी कि यार मैं क्यों नहीं मतलब खुल के जी पाता हूँ? हाँ आज ही होती है, होती है ज्यादा दिन, अगर मैं थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि आप काम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे होते, कभी कभी आप सिलेक्टिव होते हो तो आदमी घर पे बैठ जाते हैं, वाइफ बोलती क्या कर रहे बैठे जी रहा हूँ है ना, तो ये जो ये तो बात होगी इस तरह से, हाँ उलझन क्यों नहीं होती है, और ये सच है कि चाहे वो मर्द हो
चाहे वो औरत हो, ये जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं उसको खुल के एक्सप्रेस करने का आपको अधिकार है और उससे तबीयत ठीक रहेगी। हार्ट अटैक कम आएंगे। दबाना नहीं चाहिए। और सारा लुबे लुआब ये है जो इन्होंने कह दिया सारी बातें, बस यही है कि अब फिल्म में जो दिखाया उन्होंने और सही तरीके से दिखाया है कि, और ये थोड़ा पहले का वक्त लिया होगा मेरे ख्याल से, और आज भी बहुत जगह बहुत बातें होती हैं जो हम तक नहीं पहुँचती। हम तो जो है समाज सिर्फ मेट्रो को भी काफ़ी लोग समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, ये है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो समाज है दूसरे शहरों में भी है और वही है असली, जो हमारी जनता है वो वही है। और हाँ, ये सब अभी भी घट रहा है, तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि लोग समझें कि भाई नहीं, अगर चार आदमी भी समझ गए ना, जो खुल के कभी रोया नहीं है, रो पड़ा कर ले तो अच्छी बात है, तो मैं जीत हूँ। विराज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यू बिलोंग टू अ जनरेशन जहाँ पे दिस सेंस ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप मर्द हो और जो भी इंसान के तौर पे आपको एक फ्रीडम मिलना चाहिए टू रियली एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये पहली फिल्म है आपकी, राइट? जी। एंड यू आर हियर यू नो अमिडस्ट दीज रियली फाइन एक्टर्स, तो सबसे पहले तो बताओ, डर लगा? पेट में गुड़गुड़ हुई जब वो पहला टेक, पहला शॉट देना था, लाइक व्हाट वाज द वेट ऑफ दैट मोमेंट इन योर माइंड? अभी भी हो रही है एक्चुअली। शुक्रिया आप सभी का टू बी हियर फॉर मी, एंड एक्चुअली थैंक्स टू कास्ट मी इन दिस फिल्म, एंड ही इज माय मेंटर, माय टीचर, एंड अभी भी मुझे एक्चुअली आई फील लिटिल बिट नर्वस। क्या कर रहा है लड़का, फिर रो रहा है क्या हो गया। अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ ही जाता हूँ इंजेक्शन के लिए, भाग जाता हूँ। सर जानते हैं, सर भी मेरे साथ गए, मैं वहाँ से भी ऐसे ही उठ के भाग लिया था, मैंने तो इंजेक्शन लगा रहा था उसके पास। लेकिन वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यू नो व्हाट, ये तो मेरा बचपन रहा है, ये तो मेरी जिंदगी रही है। हाँ, जब सर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मुझे लगा कि हाँ, बट आई चेंज मायसेल्फ फॉर दिस फिल्म। मैं हूँ नहीं एक्चुअली ऐसा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ लोग शायद ऐसा पैदा नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है बचपन से उनके ऐसा बना दिया जाता है। बट कुछ कुछ वैसा हूँ, कुछ कुछ नहीं हूँ, बट अच्छा लगा सर के साथ काम करके। थैंक यू, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। मानुकृति, लेट मी कम टू यू। आई सॉ यू फर्स्ट इन रामप्रसाद की तेलवी। मैंने सुई धागा के बारे में नहीं जाना था तब तक, एंड आई वाज लाइक, हू इज दिस गर्ल, शी इज अमेजिंग, शी इज सो केयरफ्री, एंड देन पता चला व्हाट योर लीनेज, योर लेगेसी इज। बट आई वांट टू नो टू फोल्ड आंसर फ्रॉम यू। एक तो मम्मी डायरेक्ट कर रही है जब, तो क्या हालत होती है, और जब मम्मी सिर्फ एक को-स्टार होती है तो क्या हालत होती है, और जब तुम अभी इस मूवी की हीरोइन हो तो क्या लग रहा है मन में? आई थिंक शी डज ऑल द रोल्स ब्यूटीफुली, लाइक यू नो व्हेन शी इज अ डायरेक्टर, शी इज द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक बिकॉज शी इज एन एक्टर, तो शी अंडरस्टैंड्स कि एक एक्टर क्या चीज़ों के बारे में सोच रहा है। सो आई थिंक शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग विद ईच एक्टर, शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। सो खाना बनाया था इन्होंने सेट पे रामप्रसाद के लिए, एंड खाना यहाँ भी बन रहा था, तो मतलब वेर एवर यू गो शी विल बी फीडिंग यू फूड, शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू बी अराउंड, तो मज़ा आता है। लाइक आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन, एंड ऑब्वियसली लुकिंग एट हर यू लर्न सो मच यार, मतलब शी इज स्ट्रिक्ट अबाउट समथिंग। नहीं, ये ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं आंखें दिखा रही हूँ तुम्हें। नहीं यार, नो, शी इज नॉट स्ट्रिक्ट। सीमा मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब मुझसे फर्स्ट डे वीडियो ड्यू परमिशन फर्स्ट डे मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैम ने ऐसे करे, तो अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या, ऐसे बात करता है तुम्हारी माँ से, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? तो मैम बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी है ना। अतुल सर भी, अतुल सर से मैं फर्स्ट टाइम मेरे पी लगा दिया, सो फन यार, लाइक व्हेनेवर वर्किंग विद हर इज ऑलवेज फन, दैट्स फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट यू मैम, How was your experience? Because आपके जितने भी मैंने bits देखे ना, आप गुस्सा हो, पूरे time ही गुस्सा हो आप, तो
आपको क्या ओरिएंटेशन दी गई थी? अपने पैसे नहीं दिए। सर ने बोला कि टॉपिक ऐसा ना कहीं तो मतलब दिखे ना बेचारा मर्द बेचारा भाई ये दर्द मर्द उनका दर्द दिखता है मेरे डांटने के बाद। लवली एक्सपीरियंस अनूप जी के साथ काम करके बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि सीमा देवी मैं इनको बहुत एडोर करती हूँ बहुत जब ग्राम स्कूल में थे मैं इनको बहुत प्रेज करती हूँ मुझे बहुत पसंद है तो जब इनके साथ काम करने का था तो और भी अच्छा लगा मुझे। ऑफकोर्स ये लगी है और बी नहीं लगा है तो सब लोगों के साथ काम करके बहुत। और सबसे अच्छी बात है कि अनूप सर ने जो स्टोरी मुझे बताई थी पहले मुझे टॉपिक तो बहुत बढ़िया लगा लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखा रहे मे भी एक कैरिकेचर भी हो सकता है सिर्फ लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वो एक अंतर्मन दशा होती है ना बहुत ज़्यादा होती है ये तो बहुत बड़ा एक थिन लाइन होती है इसको क्रॉस करके मर्द को दर्द नहीं होता रोता नहीं वो चीज़ नहीं है इट्स बियॉन्ड दैट इट्स नॉट प्रीची यस स्मॉल स्मॉल लेयर्स जो बात करता है जो हम आम जीवन में बोलते हैं आप तो उसका ट्राइपॉड ले लिया आई थिंक जो जनरेशन थोड़ा सा भी कुछ साल पहले अभी के लड़के तो बोल रहे और सबसे बड़ी बात सर ने मेरे को बताया कि दे ऑल पार्ट प्लेइंग तो मतलब कैसे होगा कैसे ये सर तो फिर उस टाइम जो ट्रेनिंग थी मेरी और जो भी उस टाइम मैंने अपने आप को लेवल पे लेके आया कि मैं इन लोगों के साथ अच्छे से काम कर सकूं। That's wonderful. That's wonderful. मैं एक सवाल अनूप आपसे पूछूंगी। You have gone from writing and directing and कोरोना के बाद दो साल तक वही गई है। हाँ। मेरी जर्नी दिल्ली से है मैं थिएटर से हूँ इवन मेरी जब बात की हुई थी जिसे तो एनएसडी से ही एनएसडी में बैठा हुआ था मैं तो मेरा शुरू से थिएटर एनएसडी से तो इसीलिए मैंने आर्टिस्ट भी उसी बैकग्राउंड से जो सिनेमा में इट शोज़ दिस एंटायर कास्ट आपको मैं बता दूं कि ये फिल्म जितनी भी आपको बेहतरीन दिख रही है बिकॉज ऑफ इन लोगों की वजह से इन लोगों ने इतना मतलब मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था और मैंने कभी असिस्ट भी नहीं किया और ये बहुत बड़ी बात है कि सीमा जी ने अपनी बेटी को मैं एज एन लीड मतलब क्योंकि बच्चे का करियर तो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना ऐसे किसी भी फिल्म में लेकिन बहुत इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी मुझसे मिले और मैं जहाँ तक अभी तक खुश हूँ कि मैम को कहीं से ऐसा हो नहीं है कि यार मैंने गलत फैसला लिया मैंने बहुत मेहनत की है आखिर तक हम लोगों ने इस पर काम किया है थिएटर के लिए हम लोगों ने इंतज़ार किया है क्योंकि थिएटर बहुत ज़रूरी है आप सब लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए क्योंकि थिएटर जान है सिनेमा की और हमने इसीलिए फिल्म को थिएटर में हम लेके आ रहे हैं हमारी बहुत छोटी फिल्म है इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है लेकिन हम एक छोटी से बहुत हम बहुत कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करते लेकिन एक जैसे सिंपल सी फिल्म होती है जो आप परिवार के साथ आ सकते हैं तो वो है बाकी म्यूज़िक का ऐसा रहा कि शुरू से थिएटर से करता था तो म्यूज़िक ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपोज़र ही हूँ मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन वो थोड़ा सा एडिशनल माँ सरस्वती की कृपा है तो वो गुण था तो गाने बनाए और अच्छे लगे हमारी टीम को तो बोला कि नहीं यार हम म्यूज़िक की जब म्यूज़िक हम मंगवा रहे थे तो हमें कोई भी गाना पसंद नहीं आया फिर मैंने कहा कि ये मेरे कुछ गाने हैं तो सबको पसंद आया देन उसके बाद और म्यूज़िक का बहुत अच्छा रिस्पांस है बहुत बहुत बड़े बड़े लेजेंड ने इसमें म्यूज़िक मेरे संग का I'll get to that, but... आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया सबसे पहले सबसे तेज़।